हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 23 सितंबर को भादवे महीने का बहुत ही बड़ा शनिवार है। सबसे बड़ा शनिवार माना जाता है क्योंकि उस दिन राधा अष्टमी मनाई गई है, मानी जाएगी। उस दिन आपको बहुत ही अच्छा उपाय करना है। उपाय के फ़ायदे ये है कि यदि आपके घर में किसी भी तरह की बीमारी चल रही हो, कुछ भी हो, बीपी, शुगर, किडनी या लीवर या कैंसर, कितनी भी बड़ी अगर बीमारी घर में हो या कुछ भी परेशानी आ रही है, छोटी से छोटी हो, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ भी हो, उसके लिए आपको उपाय करना है। पूज्य पंडित जी ने अपनी कथा में बहुत ही अच्छे से समझाया है, सुनकर मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और उपाय को ज़रूर करिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है 5 लौंग, ठीक है? 5 लौंग लेना है, साबुत और खड़े लौंग होने चाहिए। उसके बाद में आपको लेने हैं 5 कमलगट्टे। आप अच्छे से जानते हैं कमलगट्टे किसी भी शॉप पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद में आपको लेने हैं 5 काली मिर्च। 5 काली मिर्च भी खड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब हमने ये तीनों चीज़ें ले ली, 5 काली मिर्च हो गई, 5 कमलगट्टे हो गए और 5 खड़े खड़े लौंग हो गए, ठीक। उसके बाद में आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको 3-4 चम्मच अच्छे से ले लेना है एक कटोरी में भर के, और उसी तेल के अंदर ये चीज़ें डाल देनी है, 5 लौंग, 5 कमलगट्टे और 5 काली मिर्च। ये तीनों चीज़ें अच्छे से डाल लेनी है उस तेल के ही अंदर, सरसों के तेल के अंदर, और चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। हाँ, एक लोटा तांबे का जल भी भर के लेके जाना है। अब आपको करना क्या है, भगवान शिव जी के सामने आपको बैठ जाना है। आपका मुख आप उत्तर दिशा की तरफ करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले आप एक लोटा जल चढ़ा देंगे, ठीक है? एक लोटा जल चढ़ाते टाइम आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, ठीक। उसके बाद में आपको क्योंकि हम तेल चढ़ाने वाले हैं भगवान को, तो आपको सबसे पहले जो आपने जल चढ़ाया है उसे अच्छे से पोंछ लेना है भगवान शिवलिंग की, शिव जी को, ठीक है? अच्छे से पोंछ देने के बाद में जो आपने कटोरी में जो सरसों का तेल है और जो वो तीनों चीज़ें हैं, उन सबको आपको भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करना है धीरे धीरे, ठीक है? और नाम क्या लेना है, अवधूतेश्वर महादेव या फिर तुमरुका महादेव, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक नाम ले सकते हैं। दोनों लेना चाहे तो दोनों भी ले सकते हैं। अपनी मनोकामना बोलनी है, जिसे भी कुछ बीमारी हो, दर्द हो, कुछ भी रोग हो रहा है तो वो आप बोल दीजिए, और एक और इंसान को लेके जाइए साथ में, ताकि जो जलाधार से जो ये तेल निकलेगा वहाँ पर इसे वापस से एक और दूसरी कटोरी में निकाल लीजिए। वहाँ पर जो निकलेगा तो उसे आप झेल लीजिए दूसरी कटोरी में, चाहे लौंग और ये कमलगट्टा और ये भी अगर उसमें आते हैं, उसे आने दीजिए उस कटोरी में, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है। अब आपने वो झेल लिया है एक दूसरी कटोरी में, उसके बाद में आपको अब घर चले जाना है। अब रात के समय जिस भी इंसान को कुछ भी रोग हो रहा है, दर्द है या फिर कोई भी बीमारी है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रात के समय लगाना है, सबसे पहले आपको 1-2 बूंद अपनी नाभि में डालना है। उसके बाद में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस इंसान के जहाँ भी दर्द है, जहाँ भी रोग है, वहाँ पे उस ऑयल से मसाज करनी है, ठीक है? इतना करने से आपको बहुत ही जल्द फर्क पड़ने वाला है, बहुत ही जल्द। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली उपाय है, इसे ज़रूर करके देखिए। थैंक यू फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।